हिंडनबर्ग मामले में अदाणी ग्रुप को बड़ी राहत, सेबी की जांच से सुप्रीम कोर्ट संतुष्ट, कहा अखबार की रिपोर्ट पर जांच एजेंसी पर सवाल उठाना ठीक नहीं। खनन घोटाले मामले में राजस्थान में ईडी की बड़ी कार्रवाई, पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत के करीबियों समेत दो आईएएस अधिकारियों के ठिकानों पर छापेमारी। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के करीबियों के खिलाफ ईडी का एक्शन जारी है, राज्य में 12 ठिकानों पर छापेमारी। झारखंड में सियासी हलचल के बीच सीएम हेमंत सोरेन के मीडिया सलाहकार अभिषेक प्रसाद उर्फ पिंटू के ठिकानों पर ईडी की रेड, अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एक्शन। झारखंड के साहिबगंज में पत्थर व्यवसायी कन्हैया खुदानिया और डीसी रामनिवास यादव के सरकारी आवास पर भी ईडी की छापेमारी, दस्तावेजों को खंगालने में जुटी है ईडी की टीम। सीएम हेमंत सोरेन के आर्किटेक्ट विनोद सिंह के घर पर भी ईडी की छापेमारी, प्रिंटिंग मशीन के साथ पहुंची ईडी की टीम, सूत्रों के मुताबिक ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग की अहम ट्रेल मिली है। लोकसभा चुनाव से पहले झारखंड में बड़े उलटफेर के संकेत, आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शाम 4:30 बजे बुलाई विधायक दल की बैठक, पत्नी कल्पना सोरेन को सीएम बनाने की अटकलें तेज। हेमंत सोरेन की पत्नी को मुख्यमंत्री बनाए जाने की अटकलों के बीच झारखंड की सियासत तेज, सियासी सरगर्मी के बीच पिता शिबू सोरेन से मिले सीएम हेमंत सोरेन, मौजूदा राजनीतिक हालात पर मंथन। ईडी को झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने दिया जवाब, जांच एजेंसी ने पूछताछ के लिए मांगी थी तारीख और समय, 29 दिसंबर को हेमंत सोरेन को जारी किया गया था 7वां समय। झारखंड के मौजूदा सियासी हालात पर राजभवन की नजर, राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने कहा गलती करने वालों को भुगतना होगा परिणाम। झारखंड में ईडी के एक्शन पर बोले बीजेपी नेता दीपक प्रकाश, कहा जिन लोगों ने झारखंड को दोनों हाथ से लूटा वो जाएंगे जेल, ये मोदी की गारंटी। बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव का बयान, चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ एमपी राजस्थान में सक्रिय थी ईडी, अब दूसरे राज्यों में जांच एजेंसियां सक्रिय हो। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल आज भी ईडी के सामने नहीं होंगे पेश, ईडी से पूछा चुनाव से पहले ही नोटिस क्यों, ईडी के नोटिस को बताया गैरकानूनी। ईडी के समन पर दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज का बीजेपी पर बड़ा आरोप, कहा बीजेपी में शामिल हो जाने पर कोई एक्शन नहीं होता, केजरीवाल को गिरफ्तार कर चुनावी प्रचार से रोकने की कोशिश कर रही बीजेपी। केजरीवाल के बचाव में उतरे संजय राउत, कहा केजरीवाल डरने वाले नेता नहीं, जांच एजेंसियों का किया जा रहा है गलत इस्तेमाल। बीजेपी ने केजरीवाल पर कानून से भागने का लगाया आरोप, कहा शराब घोटाले के मास्टरमाइंड हैं केजरीवाल। करनी सेना प्रमुख गोगा मेड़ी हत्याकांड में एनआईए की जांच तेज, हरियाणा राजस्थान पंजाब और दिल्ली के 31 लोकेशन पर छापेमारी जारी है। पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे का दूसरा दिन, तकरीबन 1200 करोड़ की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास का कार्यक्रम। नीतीश के संयोजक बनाए जाने को लेकर होने वाली वर्चुअल बैठक टली, अब किसी और दिन होगी बैठक, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा नीतीश को संयोजक बनाकर बेटे तेजस्वी को बिहार का सीएम बनाना चाहते हैं लालू। एक बार फिर छलका मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का दर्द, कहा सीएम पद तो आ जा सकता है लेकिन मामा और भाई का पद कोई नहीं छीन सकता। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के बाद दो राज्यों में यूसीसी हो सकता है लागू, सूत्रों के हवाले से खबर, पहले उत्तराखंड और फिर सीएम में हो सकता है लागू। किसान मोर्चा फिर सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने को तैयार, 18 उत्तर भारतीय संगठनों और संयुक्त किसान मोर्चा का 13 फरवरी को दिल्ली कूच करने का ऐलान है। गणतंत्र दिवस परेड की तैयारी जोरों पर है, कर्तव्य पथ की सजावट का काम जारी है, कड़ाके की ठंड में परेड की रिहर्सल हुई। असम के गोलाघाट में भीषण हादसा हुआ, बस और ट्रक की जोरदार टक्कर, हादसे में 12 लोगों की मौत, कई लोग जख्मी।